नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों, जैसा कि आज SJVN लिमिटेड की एक वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप की जो निकली हुई है, उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे SJVN की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर हमने ओपन कर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्या है, SJVN आपका एक जॉइंट एडवेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, मिनी रत्न ऑर्गेनाइजेशन है, PSU है एक तरीके से। यहाँ का करंट जॉब ओपनिंग सेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जब इसमें आप नीचे की तरफ जब जाएंगे तो नीचे की तरफ आने पे यहाँ पे दिखाया गया आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है STPL 3/2023। ठीक है, पब्लिश डेट इसकी जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे पब्लिश डेट जो है 5/9/2022 है और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की है 15/10/2022। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप जब अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन लिंक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म को ऑफलाइन भरना है। तो व्यू जॉब डिटेल में जब आप जाएंगे तो आगे का सेक्शन खुल जाएगा और यहाँ पे डिटेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, इसको देख लेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट मैंने डाउनलोड कर लिया है, मैं आपको एडवर्टाइजमेंट पे लेके चलता हूँ। ओके, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया और इस नोटिफिकेशन को हमने ओपन कर लिया। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है प्रशिक्षता प्रशिक्षण 2023 के लिए अधिसूचना है, अंतिम तिथि इसकी 15/10/2022 है और विज्ञापन संख्या ये है जो वहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया था। ठीक है, तो इसकी जो ट्रेनिंग होने वाली है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ये बक्सर बिहार में होने वाली है। 1320 मेगावाट बक्सर थर्मल प्रोजेक्ट है, वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे। आप यहाँ देख भी सकते हैं, कंपनी जो है मिनी रत्न ऑर्गेनाइजेशन जो है अधीनस्थ कंपनी बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास तथा कैमपुर जिलों में अस्थायी पात्र उम्मीदवारों से वर्ष के लिए प्रशिक्षता अधिनियम के लिए है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो बीटेक वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये वाला सेक्शन है। बीटेक वाले कैंडिडेट जो हैं वो लोग ये देख लें यहाँ पे, इसमें सिविल के लिए 2 सीटें हैं, उसके बाद मैकेनिकल के लिए यहाँ पे 5 सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे 2 सीटें हैं, आईटी रिलेटेड जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1 सीट है। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पे 10 सीटें डिवाइडेड हैं। उसके बाद बात करेंगे डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए। डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट्स हैं, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे टोटल 15 सीटें हैं, जिसमें सिविल के लिए आप देख सकते हैं 2 सीटें हैं, मैकेनिकल के लिए आप देख सकते हैं 8 सीटें हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिकल के लिए देख सकते हैं आप 4 सीटें हैं और आईटी से रिलेटेड के लिए 1 सीट है। इस तरीके से टोटल 15 सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आईटीआई वाले हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए देखिए क्या है, यहाँ पर आईटीआई वाले कैंडिडेट्स के लिए टोटल 50 सीटें हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले ट्रेनिंग के लिए आईटीआई वाले कैंडिडेट्स के लिए 10 सीटें हैं, वायरमैन वाले आईटीआई ट्रेनिंग के लिए 4 सीटें हैं, फिटर वाले आईटीआई ट्रेनिंग के लिए 9 सीटें हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए प्लम्बर वाले आईटीआई ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे 2 सीटें अवेलेबल हैं। इस तरीके से टोटल 25 सीटें हैं। क ख ग माने इस तरीके से टोटल मिला के यहाँ पे 50 सीटें हुई हैं। क ख ग कहने का मतलब ये बीटेक, डिप्लोमा और आईटीआई वाले कैंडिडेट की टोटल सीटें मिला के 50 सीटें हुई। आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए 25 सीटें हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको कैसे अप्लाई करना है तो ये मैं बताता हूँ आपको, वीडियो आखिरी तक जरूर देखें। उसके बाद देखिए इसमें एज लिमिट जो रहने वाली है आपकी, ये सबसे बड़ी बात, एज लिमिट आप देख लीजिए। आयु सीमा जो यहाँ पे दी गई है 18 से 30 वर्ष के मध्य होनी चाहिए आपकी। OBC के लिए 3 वर्ष का आरक्षण दिया जाएगा और OBC के लिए 3 वर्ष का, SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का आरक्षण आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो कैंडिडेट जिन्होंने 2020-21-22 में आवश्यक ये परीक्षा उत्तीर्ण की है, डिप्लोमा जैसे ITI, डिप्लोमा, BTEC, उनके लिए ये आवेदन करने के लिए वो लोग पात्र होंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अगर आपने कहीं से अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो वो आप फॉर्म भरने के लिए इसमें एलिजिबल नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि सबसे पहली बात, जो ITI वाले कैंडिडेट्स हैं वो अपना जो पोर्टल का रजिस्ट्रेशन करते हैं वो www.apprenticeshipindia.org पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, और जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं वो NAPS या MHRD पोर्टल पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, उसकी ज़रूरत आपको फॉर्म में भरने में पड़ेगी। ठीक है, फिर आपको जो स्टाइपेंड मिलने वाला है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, स्टाइपेंड जो मिलेगा, जो बीटेक वाले हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको 10,000 रुपये दिए जाएंगे, जो डिप्लोमा वाले हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको 8,000 रुपये दिए जाएंगे और जो ITI वाले कैंडिडेट्स हैं उनको 7,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए जो प्रशिक्षण के दौरान कह दिया है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है, यहाँ पे आपको ठहरने की व्यवस्था के लिए आपको स्वयं करनी होगी और आने जाने की व्यवस्था भी आपको स्वयं करनी होगी। SJVN के द्वारा आपको कोई भी आवास प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पे आपका सिलेक्शन होना है, चयन मापदंड जो है इसका, वो आपके परसेंटेज के आधार पर होना है। ठीक है, स्नातक का ये हो गया 10वीं और डिप्लोमा 12वीं और इंजीनियरिंग। उसी तरह डिप्लोमा वाले कैंडिडेट जो हैं उनका 10वीं और इंजीनियरिंग डिप्लोमा का 70%, ITI वाले कैंडिडेट जो हैं उनका 10वीं और ITI का 70%। इस तरीके से टोटल 100 अंक का रहेगा हर किसी का और आपको 100 अंक के हिसाब पर उस पर मेरिट बनेगी और उसी हिसाब से सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर
आवेदन कैसे करना है, तो सबसे पहले आप जो पोर्टल है आपका उस पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी बात आपके पास जो मोबाइल नंबर इसमें डालें क्लियरली अच्छे से डालें, पहली बात ये बात ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि उम्मीदवारों के पास एक वैध सक्रिय ईमेल आईडी तथा व्हाट्सएप नंबर वाला मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, क्योंकि वो आगामी जो आगे जो कोई आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी वो व्हाट्सएप के माध्यम से भी दे सकते हैं, ठीक है, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को। और आपको 100 रुपये का यहाँ पर DD लगेगा फॉर्म भरने के लिए, तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियरली इस बात को लिखा गया है, 100 रुपये लिए जाएंगे आपसे। चलते हैं आगे, फिर उसके बाद देखिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि जो 15/10 है, ठीक है। उसके बाद देखिए किस एड्रेस पे आपको भेजना है, आप इस फॉर्म को भर लेंगे और रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होंगे वे अपने रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के लिए जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे उनको लगा के, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा के आप SJVN थर्मल प्रोजेक्ट करके है, ये देखिए यहाँ पर ये SJVN थर्मल प्राइवेट लिमिटेड नव दुर्गा कॉम्प्लेक्स अम्बेडकर चौक बक्सर पिन ये डाल के दिनांक 15/10 तक भेज दें। अगर कोई वहाँ का लोकल निवासी है जो वहाँ पे जाके जमा कर सकता है तो वो उस ऑफिस पे भी कार्यालय पे भी जाके इस फॉर्म को जमा कर सकता है, ठीक है। चलते हैं आगे, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो आवेदन का प्रारूप है, आवेदन का प्रारूप कैसे कैसे आवेदन करना है आप ये भी देख सकते हैं। पहली बात तो आवेदन का नाम, फिर उसके बाद NAPS पोर्टल जो आपका रजिस्ट्रेशन संख्या होगा वो डालेंगे, आवेदित पद का नाम, पद का नाम में डालेंगे, जैसे आप ITI वाले ट्रेनिंग है तो ITI से संबंधित डालेंगे, फिर डिप्लोमा वाले हैं तो डिप्लोमा से संबंधित पद डालेंगे, उसके बाद BTech वाले कैंडिडेट तो BTech से संबंधित पद डालेंगे। फिर यहाँ पे आप पासपोर्ट साइज फोटो लगा देंगे, अपना नाम डालेंगे, जन्मतिथि डालेंगे, पिता का नाम डालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे आप श्रेणी डाल देंगे, इसमें किस श्रेणी में है आप, वो SC ST OBC PWD जनरल, डोमिसाइल डालेंगे, जिला डालेंगे, स्थाई पता आप यहाँ पर डालेंगे, पत्राचार का पता डालेंगे, आधार संख्या आप यहाँ पर डालेंगे, फिर उसके बाद बात करते हैं आप शैक्षणिक योग्यता डालेंगे और फिर उसके बाद व्यावसायिक योग्यता डालेंगे, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता में आपका आज का हाई स्कूल आ जाएगा और 12th आ जाएगा, और व्यावसायिक में आपका आ जाएगा BTech आ जाएगा, चाहे डिप्लोमा आ जाएगा, चाहे ITI आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, कार्य अनुभव और आवेदक के हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर, वैकल्पिक मोबाइल नंबर, ये चीज़ें आप फिल करके इस एड्रेस पे आप सेंड कर देंगे। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप सभी के सामने शेयर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।